बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने फी यूनिट 7 रुपए 13 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त जनवरी की महाना एडजस्टमेंट कीमत में जमा कराई गई है। सारिफिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने अटियाला जेल में समाअत करना थी। फाजिल अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद राणा ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। जज मोहम्मद बशीर की रुख्सत के बाद गुज़श्ता रोज नए जज की तैनाती की गई थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, फारूख हबीब की जानिब से दरख्वास्त कबलज़ गिरफ्तारी, जमानत वापस ले ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फारूख हबीब को केस से डिस्चार्ज कर दिया। केस की समाअत जज अबुल इस्नाद मोहम्मद जुलकरनैन ने की। फारूख हबीब अपने वकील के हमरा अदालत पेश हुए थे। कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी लार्जर बेंच में शामिल। गुज़श्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए गए थे। इलेक्शन में मुबैना धांधली की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर। शहरी शबीर इस्माइल ने असद सदीक एडवोकेट की वसादत से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया।